आज ना मैं सोच रही थी कि पकोड़े बनाए जाएं फिर मैंने सोचा कि सोचने से भला क्या होता है चलो भाई बनाते हैं पकोड़े जैसे ना हर इंसान का एक कपड़े पहनने का स्टाइल होता है शूज़ का स्टाइल होता है तो मुझे लगता है कि पकोड़ों में भी ना हर इंसान का एक अपना टेस्ट होता है तो मैं आज के आपके साथ शेयर करने लगी मुझे कैसे पकोड़े पसंद है बाकी सारा सीन तो बिल्कुल सेम है क्या हमने वैसे ही प्याज़ काट लिए पालक काट ली और जो पटेटोज़ है ना आलू को मैंने बिल्कुल फ्राइज़ की तरह काटा है ठीक है उसके बाद इसके अंदर जी क्रेश चिली ऐड की नमक ऐड किया रेड चिली ऐड की अजवाइन ज़ीरा एंड सूखा धनिया इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स किया उसके बाद हमने जो बेसन है ना उसको बहुत थोड़ा सा ऐड करना है बहुत ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करना तकरीबन चार से पाँच चम्मच के सारे जो मसाला है ना वो उसके अंदर एक कोटिंग सी हो जाए ठीक है बिल्कुल हमने इसको बहुत गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके तो हम इसको मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल इस तरीके से मिक्स करना है कि बेसन ना होने के बराबर हो ठीक है ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो हमारी सब्जियां हैं ना बिल्कुल ऐसी हरी भरी नज़र आनी चाहिए तो ये हमारा बैटर बन चुका है तो हमने जी साथ में कढ़ाई के अंदर जी इसको हाथ की मदद मतलब से डालना है आ, क्योंकि मुझे लगता है जब हाथ की मदद मतलब से आप पकौड़े बनाते हो ना तो उनकी शेप बहुत अच्छी आती है और क्रंची भी होते हैं स्पेशली जब आप ये वाले पकौड़े बनाएँ तो बस जी इतना सीन था तो दिल किया पकौड़े बनाने का तो हमने बना लिया हमने कहा छोटी छोटी ख्वाहिशों को कूँ बंदा मारे भाई वो बानो कदसिया भी कहते हैं ना कि सिर्फ दस फ़ीसद खुशियाँ आपको बाहर के हालात से मिलती हैं बाकी की जो नाइन्टी परसेंट खुशियाँ ना आपके अंदर होती हैं आपकी सोच से होती हैं आपके एहसास से होती हैं इसीलिए खुश रहने के लिए दुनिया को बदलने की बजाय अपने अंदर की दुनिया को बदलना ज़रूरी है ठीक है जी और पकौड़ों का स्टाइल थोड़ा सा टेस्ट चेंज करें और अगर ये आपको खुशी देती हैं तो फिर ऐसे ही सही इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद हुई आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें पसंद आती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें खुश रहें आबाद रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें आसानियाँ बांटते क्योंकि आसानियाँ बांटने से आसानियाँ मिलती हैं जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे रब रखा